हर भगवान में उतना ही प्रेम है जितना राम भगवान से। जय श्री राम। भाई जो मंदिर जो बन रहा है वो सबके लिए बन दिया, जहाँ बैठे ही एक्सीडेंट जोन है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल हो चुके हैं 19 दिन दोस्तों। आप देख सकते हो मैं एक ब्रिज पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे एक नदी है। ऐसे हो जाइए प्लीज़ कैमरामैन, इस तरफ हो जाइए। ये मेरे पीछे देखिए नदी है, यहाँ से पूरा हरियाली हरियाली आप देख सकते हो, यहाँ से लेके पूरी इस पार भी नदी है। बहुत ही खूबसूरत नदी है और यहाँ पर तो धूप भी है। मैं अभी विदिशा में हूँ, बाकी बहुत अच्छा मौसम है, ठंड भी इतना नहीं लग रही है। बाकी भोपाल साइड तो बारिश भी हो रहा था, ओस भी गिर रहा था, इतनी ठंड भी थी, बाकी यहाँ धूप भी है तो अच्छा लग रहा है। और अभी हमने चाय नाश्ता भी कर लिया है, चाय नाश्ते के साथ साथ हमने बहुत सारे न्यूज़ वालों को बाइट दिया कि मेरा गला सूख गया है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ खाना पीना है लेकिन वो नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी भी नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। अभी 1 बजने वाले हैं, अभी कुछ भोजन भी करना है। चलिए भोजन के लिए हम पूछते हैं कि कहाँ हमें खाने मिलेंगे। दोस्तों मॉर्निंग से कंटिन्यू चलते चलते ब्रेकफास्ट मिला है, तो अभी ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। क्या मंगाइए ब्रेकफास्ट में, यही बताइए। मैंने पोहा मंगाया अपने लिए और विदाउट सेव। इसको सेव पसंद नहीं है, विदाउट सेव खाते हैं। और अभी चाय भी पियेंगे और भी कुछ कुछ देखते हैं। मन तो कर रहा है बहुत कुछ खाने का, क्योंकि रात को जल्दी डिनर किया था, तो बस खाने से। देखो दोस्तों आज लंच में क्या क्या है, दाल, राइस, आलू मटर की सब्ज़ी, ये वो तली मिर्ची, अचार, चटनी, ऑनियन। जय श्री राम। 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 जय की नारा, जय की नाम, जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक अच्छा मैसेज जाएगा, आइए आप कीजिए। मैसेज के लिए तो है ये, आप आइए इधर आइए। मुंबई से राम मंदिर पैदल यात्रा। हाँ मैंने देखी थी, देखी थी। जय श्री राम। 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 धन्यवाद। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मुंबई से आ रही हूँ। मुंबई, मुंबई कौन सी जगह है? अभी वो तो पर्सनल वो नहीं बता सकती, तो मेरे मम्मी डैडी से इन्होंने परमिशन ली कि हम जा रहे हैं तो आपकी बेटी को भी लेकर जाए, तो मम्मी ने बोला ठीक है जाओ। तो बस वहीं से हम, पापा ने इजाजत दिया। हाँ, उनकी इजाजत के। भाई तो वो इतना दूर मुझे अपने, बोलते ना भरोसा एक होता है ना माँ बाप का ट्रस्ट, दो लड़कों के साथ जा रही हूँ, उनको ट्रस्ट है मुझ पे, बहुत ज्यादा भरोसा है। मैसेज भी सही जाना चाहिए कि अपन जो है हिंदुस्तान के अंदर जो रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी तो सब रहे, अपन जो भाई भाई हैं सब, बिल्कुल नहीं है, तो मैसेज भी एक अच्छा जाना चाहिए। बिल्कुल तो भाई, जो मंदिर जो बन रहा है वो सबके लिए बन दिया, सबका ही है, किसी एक का नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी भोजन करेंगे क्या? ये हल्का है ना, ये हमारे लिए बहुत हैवी है, हल्का नहीं है। शुभकामनाएं आपको यात्रा की, सुना दें। ये हमारा खत्म होने वाले हैं आपको, है ना? हम नहीं रहेंगे। हाँ आप नहीं रहेंगे, मगर लोगों को बताएंगे बीच में कि हाँ इन लोगों ने स्वागत करा, ये लोग आए हैं।
जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या जा रही हूँ पैदल यात्रा करके राम जी के दर्शन के लिए। मुझे हो गए अभी तकरीबन 19 डेज। राम भगवान में ऐसी क्या आस्था है? नहीं, राम भगवान में नहीं, मुझे हर भगवान में उतना ही प्रेम है जितना राम भगवान से। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया, और मेरे जस्ट पीछे देख सकते हो पूरा हाईवे है। एक मिनट बता दीजिए, देख लो पूरा हाईवे है, और यहाँ से होटल बहुत दूर है। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, तो अभी होटल यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, फिर भी हम चलते जाएंगे। क्या करेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर साधन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सेफली जाना है ये हमने डिसाइड किया है, बाकी प्रभु की सब लीला है, उनकी जो मर्जी होगी वो होगा। हम आगे बस निकल रहे हैं। खाना खाने के बाद हमें बहुत सारे लोग मिले, स्वागत किया, सत्कार किया। बाकी बाईपास से होते हुए जा रहे हैं तो और मतलब बहुत कम लोग मिल रहे हैं, लेकिन सेल्फी लेने वाले बहुत मिल रहे हैं, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जस्ट हम बैठे हुए हैं, मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरे ब्लैंक हो चुके हैं हम, कि क्या करें। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका ही है और दिमाग नहीं काम कर रहा, और जहाँ बैठे ही एक्सीडेंट जोन है। अभी जस्ट मतलब मैं देख रही थी, पूरा कांच 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 पड़ा हुआ है हमारे जस्ट सामने। बाप रे, ये भगवान मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। दोस्तों इतनी रात हो गई है, हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, और ये अकेले थे। आप देख सकते हो सुबह से हमारे साथ है, और अभी हम आग सेक रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने कॉल करके ये दो पुलिस वालों को बुलाया ताकि हमें बाइक पर बिठा के कोई होटल में सेट कर सके, क्योंकि होटल वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। माँ कसम लग रहा है होटल बहुत दूर था, तो पैदल आने में और रात हो जाती और अंधेरा हो जाता। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी हम गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं एक रेस्टोरेंट के सामने, एक रिसोर्ट के सामने हम हैं। उन्होंने हमें ये सूप दिया है और चाय भी आ रहा है। अंदर भी जाएंगे हम, फिर अंदर का भी बताएंगे हम। फिलहाल हम इस ठंडे मौसम में टमाटर सूप का आनंद लेते हैं और ठंडे मौसम में चाय भी पियेंगे। यात्रा पे जा रहे हैं महंगी, वीडियो गरम करो। ये मेरी बेटी है आराध्या चतुर्वेदी। नमस्ते। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। लाइए आगे, जय श्री राम करिए। जय श्री राम। बहुत लंबा सफर और बहुत लंबा लक्ष्य रखा है आपने। लक्ष्य बहुत बड़ा है, राम भगवान पूरी करें। धर्मा जी का चल रहा है आपके। बिल्कुल, मैं वीडियो में भी यही बोलती हूँ कि आज हमें बहुत रात हो गया, मतलब होटल ही नहीं मिल रहा था, हम चले जा रहे पूरा। ये डिनर है हमारा।